के वीडियो में मैं एक कमाल के टॉपिक पे बात करूंगा कि कमेंट आते हैं ऐसे आप लोगों के कि थोड़ा सा मेरे को भी सोचने समझने में भी टाइम लग जाता है कि क्या मैं इसका रिप्लाई करूं। तो एक ऐसा ही कमेंट आया हुआ था कि सर ये बताइए मैं 28 या 29 साल का हूं तो मैं पॉलिटेक्निक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे को क्लियर करिए क्या मैं करियर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ना मैं अभी आपके सामने ही एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर देखो पॉलिटेक्निक आपका करने का मन है ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस उम्र में आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके लाइफ में आगे जाना है, वही एज सबसे बेहतर होती है। और अगर आपको लगता है कि आप इस एज में कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इस एज में पॉलिटेक्निक करने मत आएँ, इस एज में आओगे तो आपको जॉब लेने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मेरे हिसाब से अगर आप 30 साल के भी हैं पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका वेलकम है। अब मैं फ़ायदे और थोड़े से और नुकसान भी बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक किस एज पे बेटर होता है, किस एज पे क्या रिस्पांस होता है, थोड़ा सा मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता देता हूं। देखो अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने जाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंसते ये हो कि जब आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आते हो ना, गवर्नमेंट में चले गए तो कोई बात नहीं, वहाँ पर मैटर क्लोज हो जाएगा आपका, चलो ठीक है। लेकिन अगर नहीं बाय द वे आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, प्राइवेट इंडस्ट्री में आ गए, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस होगी क्योंकि 10th पे उतना मेच्योरिटी का लेवल नहीं होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती यार। मुझे खुद ही नहीं पता थी जब हम 10th पास आउट हुए थे कहाँ जाना है क्या करना है। तो पॉलिटेक्निक में तो आप चीज़ें सीख लोगे लेकिन उतना आप मेच्योर नहीं हो पाते हो जितना 12th पास आउट वाले होते हैं। ऑल दो भले ही 10th का वो रखा गया है लेकिन ट्राई आप करो कि 12th के बाद ही करो। दूसरा ये है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद आप करने आते हो तो ठीक है, इट्स ओके। ग्रेजुएशन के बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग बीएससी और बीए के बाद पॉलिटेक्निक करने आए हैं और टाइम लिया है, 25 साल 26 साल पे पास आउट हुए हैं और जॉब लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं बता दूं वो मैच्योरिटी लेवल और 25 प्लस हैं तो एक मैच्योरिटी का लेवल बन जाता है, चीज़ें समझ में आती हैं क्या सही क्या बुरा, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के जान पहचान परख थोड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उम्र कम है एज कम है तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी या जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मिलेगी। 18 या 19 साल पे पॉलिटेक्निक पास आउट लड़कों को टाटा जैसी कंपनियां, L&T, मारुति सुजुकी, बहुत सारी कंपनियों में जॉब मिला है। तो वो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारा टाइम दे दिया है, 30 साल के हो गए हैं, तो 30 साल के बाद जब आप पॉलिटेक्निक 28 या 25 या एक एवरेज लेते हैं 26-27 साल के बाद आप पॉलिटेक्निक करने आते हो तो 3 साल दोगे 30 साल पे पास आउट हो गए। पास आउट होने के बाद आप ट्राई ये करो कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में आपका पिकअप जल्दी हो जाएगा, जल्दी से आपको जॉब मिलेगी, जल्दी ही अपॉर्चुनिटी वहाँ जनरेट हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो विल टेक टाइम, कॉम्पिटिशन का लेवल पॉलिटेक्निक पर बहुत बढ़ गया है। पहले गवर्नमेंट जॉब लेना पॉलिटेक्निक के बाद इतना टफ नहीं था क्योंकि यूपी की बात करें तो 3000 से मैक्सिमम 5000 पॉलिटेक्निक वाले गवर्नमेंट में पास आउट थे, प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, किने चुने प्राइवेट कॉलेज थे जिनमें भी एडमिशन लेना बहुत टफ था। लेकिन अब आज के टाइम क्या है, बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, कम से कम 50,000 60,000 80,000 पॉलिटेक्निक वाले हर स्टेट से पास आउट हो रहे हैं जिस जिस स्टेट में पॉलिटेक्निक है, तो कंपटीशन का लेवल बहुत ब्रॉड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब नहीं, उसी तरह कंपनीज भी आ रही, उसी तरह से जॉब भी जनरेट हो रहा है। तो एज ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपको जॉब लेने में, पॉलिटेक्निक बाद चीज़ें काम करने में, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में जाएं और किस तरह से काम करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटेक्निक के बाद, मतलब अगर एज आपकी ज़्यादा है पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं। बस अपने आप को मोटिवेट थोड़ा सा रखना यार, क्योंकि होगा आप 15 साल 12 साल 18 साल के बच्चों के साथ बैठोगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट जरूर होगे। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ऑब्वियसली जो लोग इंटरेस्टेड हो पॉलिटेक्निक करें, अच्छे से करें, अच्छी रैंक निकाल के करें, घटिया कॉलेज से मत करना प्लीज़, नहीं तो वही है फिर उसी रास्ते पे आप चल जाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही, होगा इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे पॉलिटेक्निक का चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, एक बार जाकर के वहाँ पे भी देखें। थैंक यू।